हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। टुडेज टॉपिक इज स्टीरियोकेमिकल स्टडीज। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टीरियोकेमिकल स्टडीज इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझिए कि स्टीरियोकेमिकल स्टडीज क्या होता है। तो ये एक मेथड है किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिटरमाइन करने का। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फोर मेथड। फर्स्ट क्या था? प्रोडक्ट एनालिसिस। सेकंड, इंटरमीडिएट की प्रेजेंस यानी कि डिटरमिनेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इंटरमीडिएट। थर्ड, आइसोटोप इफेक्ट। एंड फोर्थ, काइनेटिक स्टडीज। ये जो फोर्थ मेथड्स थे उनको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीरियोकेमिकल स्टडीज, यानी कि अब हम फिफ्थ मेथड के थ्रू जो हमारी रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म को डिटरमाइन करना सीखेंगे इन दिस वीडियो। तो एक और एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो क्या कि ये जो हमारा टॉपिक है ये लास्ट है, यानी कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था मेथड्स ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म, उस जो टॉपिक था उस टॉपिक के अंदर हमने फाइव मेथड्स के बारे में बात की थी कि हम फाइव मेथड्स के थ्रू किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिटरमाइन करना सीखेंगे। फोर्थ को हम सीख चुके हैं और फिफ्थ जो हमारा रह गया है उसको हम आज सीखेंगे। और आपको सारी प्रीवियस वीडियोस के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां जाकर के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि स्टीरियोकेमिकल स्टडीज में हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि इस मेथड के थ्रू किस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म को बता पाएंगे। तो देखिए, स्टीरियोकेमिकल स्टडीज में सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, उसके बाद एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि स्टीरियोकेमिकल स्टडीज क्या होता है। तो फर्स्टली यहाँ पर दे रखा है, द कन्फर्मेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मैनी रिएक्शन इज डन बाई स्टीरियोकेमिकल स्टडीज। कन्फर्मेशन मीन्स के पुष्टि, यानी कि सबूत के प्रूफ पे, प्रूफ सबूत के तौर पर। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कई जो रिएक्शंस होती हैं उसकी मैकेनिज्म को स्टीरियोकेमिकल स्टडीज के द्वारा क्या किया जाता है? कन्फर्म किया जाता है, यानी कि उसकी पुष्टि की जाती है, या फिर बोले कि प्रूफ के तौर पर जो बोला जाता है वो स्टीरियोकेमिकल स्टडीज के द्वारा बोला जाता है। एक लाइन में समझिए, द कन्फर्मेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ मैनी रिएक्शन इज डन बाय स्टीरियोकेमिकल स्टडीज मीन्स के कई रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म है उसको स्टीरियोकेमिकल स्टडीज के द्वारा पुष्टि की जाती है उसकी। ठीक। सेकेंड चीज, द कन्फर्मेशन ऑफ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म इज पॉसिबल ओनली बाय स्टीरियोकेमिकल स्टडीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि SN1 और SN2 मैकेनिज्म सिर्फ स्टीरियोकेमिकल स्टडीज द्वारा पॉसिबल है, यानी कि स्टीरियोकेमिकल स्टडीज द्वारा उनकी पुष्टि संभव है। सिर्फ इसके द्वारा ही उसकी पुष्टि संभव है। किसके द्वारा? स्टीरियोकेमिकल स्टडीज के द्वारा। SN1 और SN2 मैकेनिज्म इज पॉसिबल ओनली बाय स्टीरियोकेमिकल स्टडीज। यानी कि मैं आपको सीधा सिंपल बताऊं तो इसका मतलब ये है कि हमारी SN1 और SN2 जो मैकेनिज्म है उनकी अगर पुष्टि की जाए तो उनकी पुष्टि किसके द्वारा की जाती है? स्टीरियोकेमिकल स्टडीज के द्वारा। ठीक, यानी कि उनको प्रूफ किया जाए। कन्फर्मेटरी का मतलब समझिए कि यहाँ पर प्रूफ से है कि अगर उनको प्रूफ किया जाए तो वो किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर स्टीरियोकेमिकल स्टडीज के द्वारा प्रूफ किया जाता है। अब समझिए इसको ऐसे कि अगर हमारे पास मिथाइल हैलाइड को हम देखें, तो जब हम मिथाइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, यू नो वेरी वेल कि हम काइनेटिक स्टडीज़ जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो क्या था? वो था काइनेटिक स्टडीज़। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था मिथाइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि मिथाइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस वन स्टेप में किया जाता है। तो ये बात आपको याद होगी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल हैलाइड इज़ अ वन स्टेप प्रोसेस। अगर हम मिथाइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो कैसा प्रोसेस है? वो वन स्टेप प्रोसेस है। दूसरी चीज़, हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर हम टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो टू स्टेप प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जो हमारा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है उसमें क्या होता है? उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या याद रखना है? यहाँ पर याद रखना है कि अगर मिथाइल हैलाइड का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो वो वन स्टेप प्रोसेस है, वन स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जबकि हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं किसका? टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का, तो वो हमारा टू स्टेप प्रोसेस है, यानी कि टू स्टेप रिएक्शन है। तो आपको इतना पता चला कि मिथाइल हैलाइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो वो कौन सा प्रोसेस हमारा? वो वन स्टेप प्रोसेस है। और टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो वो टू स्टेप प्रोसेस है, और वो जो मिथाइल हैलाइड वाला है वो वन स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है।
यहाँ पर मेंशन कर रखा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल हैलाइड इज अ वन स्टेप प्रोसेस वेयर एज हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज अ टू स्टेप रिएक्शन, यानी कि टू स्टेप प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर देख के रखा नीचे, इफ टू हाइड्रोजन एटम्स ऑफ मिथाइल हैलाइड आर सब्सटीट्यूटेड बाय टू स्मॉलर साइज एटम, इसका मतलब क्या है? मैं पहले आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि क्या है इसका मतलब। देखिए जो इसकी फर्स्ट लाइन है वो ये है कि इफ टू हाइड्रोजन एटम ऑफ मिथाइल हैलाइड, यानी कि मिथाइल हैलाइड जो है हमारे पास, इसके दो हाइड्रोजन एटम को अगर स्मॉलर साइज वाले एटम से, यानी कि स्मॉल एटम से सब्सटीट्यूट किया जाए, सब्सटीट्यूट मतलब कि उनको हटा करके जो हाइड्रोजन है यहाँ से उनकी जगह पर क्या क्या रखा जाए, स्मॉल साइज वाले एटम को रखा जाए, देन द मॉलिक्यूलर बिकम्स सिमेट्रिक, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा मॉलिक्यूलर है, जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। इफ दिस असिमेट्रिक मॉलिक्यूल इज हाइड्रोलाइज्ड देन वाल्डन इन्वर्जन टेक्स प्लेस एंड प्रोडक्ट हैविंग अपोजिट ओरिएंटेशन इज ऑब्टेंड। देखिए मैं आपको रिएक्शन समझाती हूँ, उसके बाद आपको फिर से मैं बताऊंगी ये डेफिनेशन का मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये है मिथाइल हैलाइड, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके दो एटम को हमने सब्सटीट्यूट करा रखा है स्मॉल साइज के एटम से, यानी कि यहाँ से दो हाइड्रोजन जो थे उनको हटा करके उसकी जगह पर दो स्मॉल साइज के एटम को लगा रखा है, एक तो डी है और एक एफ है, और यहाँ पर ये OH नेगेटिव है, और हम इसको ये जो हमारा प्रोसेस हो रहा है इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन हो रही है वो एक स्लो प्रोसेस है, तो जो स्लो प्रोसेस है उसमें हमें क्या मिल रहा है, उसमें हमें जो ये OH है ये और ये Br, ये जो जाने वाले और आने वाले ग्रुप हैं ये पार्शियली अटैच हैं इस कार्बन से, ठीक है, हमें ये प्रोडक्ट ही फॉर्म में मिल रहा है। देन क्या अब क्या हो रहा है, अब ये फास्ट प्रोसेस हो रहा है, जब ये फास्ट प्रोसेस हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है वाल्डन इन्वर्जन, यानी कि इस प्रोसेस को हम बोलेंगे वाल्डन इन्वर्जन, और ये हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए ये क्या मिल रहा है हमें, ये बिल्कुल अपोजिट ओरिएंटेशन में मिल रहा है, यानी कि जब हम इसका स्लो प्रोसेस करवाते हैं देन फास्ट प्रोसेस करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, अगर इसका अगेन हाइड्रोलाइज्ड करवाएंगे हम तो हमें क्या मिलता है, हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी जो ओरिएंटेशन होती है वो क्या होते हैं, वो अपोजिट होती है, ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन इधर है और इसकी ओरिएंटेशन इधर है, तो इसकी ओरिएंटेशन क्या है, बिल्कुल अपोजिट। फिर से समझिए इसका मतलब, देखिए यहाँ पर हमारे पास मिथाइल हैलाइड ले रखा है हमने, तो उसके कार्बन के जो दो हाइड्रोजन है उनको हमने सब्सटीट्यूट करा रखा है किससे, दो स्मॉल साइज के एटम से, और फिर ये जो हमारा प्रोसेस हो रहा है ये स्लो प्रोसेस हो रहा है, तो हमें प्रोडक्ट ये मिल रहा है, इसमें प्रोडक्ट में क्या है कि ये जो OH है और ये Br है, ये प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, इसमें ये पार्शियली अटैच है कार्बन से, इस कार्बन से पार्शियली अटैच है। फिर हमारा जो प्रोसेस हो रहा है वो फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, एक चीज वहां पर ये याद रखनी है कि हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट मिल रहा है। सेकेंड चीज क्या याद रखनी है, सेकेंड बात है यहाँ पर कि जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी जो ओरिएंटेशन है वो अपोजिट ओरिएंटेशन में मिल रहा है, पहले जो उसकी ओरिएंटेशन थी अब उसकी ओरिएंटेशन पहले से बिल्कुल जस्ट अपोजिट दे रखी है, ठीक है। तो ये इसका जो एग्जांपल है ये यही है, और ये ऊपर वाली डेफिनेशन मैं आपको फिर से समझाती हूँ इसका मतलब। इफ टू हाइड्रोजन एटम्स ऑफ मिथाइल हैलाइड आर सब्सटीट्यूटेड बाय टू स्मॉलर साइज एटम, अगर मिथाइल हैलाइड के दो हाइड्रोजन एटम को स्मॉल साइज के एटम से सब्सटीट्यूट किया जाता है, then the molecule becomes asymmetric if this asymmetric molecule is hydrolyzed, then Walden inversion takes place and product having opposite orientation is obtained। इसका मतलब समझे आप क्या है, इसका मतलब यही है कि जो हमें अगर हम सब्सटीट्यूट करा देते हैं तो जो हमारा मॉलिक्यूल है वो असिमेट्रिक हो जाता है, और अब हम जो हमारे पास जो असिमेट्रिक मॉलिक्यूल है उसका अगर हम हाइड्रोलाइज्ड कराते तो हमें क्या मिलता है, हमें वाल्डन इन्वर्जन मिल जाता है। वाल्डन इन्वर्जन जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें मिल जाता है, और उसकी जो ओरिएंटेशन होती है वो अपोजिट ओरिएंटेशन होती है, इसका मतलब ये है, ठीक। तो आपको क्लियर हो गया, चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे इसका जस्ट अपोजिट है, मतलब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने मिथाइल हैलाइड के बारे में बात की थी, और अब हमको किसके बारे में बात करनी है, अब हमको बात करनी है टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड, यानी मिथाइल हैलाइड का जब हम सबसे पहले मिथाइल हैलाइड के दो जो कार्बन है उसको उसे दो स्मॉल साइज के एटम से सब्सटीट्यूट करवा देते हैं तो स्लो प्रोसेस में हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, और फाइनल प्रोडक्ट में हमें क्या प्रोसेस में फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है,
वो मिलता है हमें वॉल्डन इन्वर्सन, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड का, अगर हम यही सेम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखिए यहाँ पर क्या देखा है, अपोजिट टू इट, मतलब उसके जस्ट अपोजिट है ये। इफ़ टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड इज ऑफ अ सममेट्रिक नेचर, अगर टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड लेते हैं हम और वो असममेट्रिक नेचर का है, देन रेसिमेशन टेक प्लेस, तो हमें जो प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा रेसिमेशन। देखिए यहाँ पर ये हमने टर्सरी हैलाइड ले रखा है, टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड, तो ये स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस में क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। हियर यू कैन सी कि कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, मतलब कि कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर हमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है स्लो प्रोसेस में, और फिर फास्ट प्रोसेस हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है यहाँ पर रेसिमेशन। ये क्या है, ये हमारा किसका मतलब किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा रेसिमेशन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेसिमेशन। तो ये रेसिमेशन हमें कब मिल रहा है प्रोडक्ट की फॉर्म में, जब हम टर्सरी ब्यूटाइल का क्या करा रहे हैं, टर्सरी ब्यूटाइल को पहले स्लो प्रोसेस हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, पहले हमें मिल रहा है कार्बोकेटायन, देन हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है रेसिमेशन। तो ये हमने मिथाइल हैलाइड वाला जब हमने उसका उसको हाइड्रोलाइज करवाया तो हमें क्या मिला था वहां पर, वहां पर हमें मिला था वाल्डन इन्वर्सन, और यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड में हमें मिला है रेसिमेशन। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टीरियो केमिकल स्टडीज, और आज इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो फिनिश हो गया, मतलब कि जो हमारा मेथड्स ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक चल रहा था वो फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो आई होप कि आपको केमिकल स्टडीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।